हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक डिलाइटफुल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना चीनी, बिना चाशनी, बिना मावा मकर संक्रांति स्पेशल तिल बेसन से बनने वाली बहुत बहुत टेस्टी मिठाई। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की जब भी मैं वीडियो डालूंगी उसका मैसेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक कप मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, एक कप बेसन लिया है और एक ही कप मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लें और सभी चीज़ें आप उसे माप रखें। 1/4 कप लिया है मैंने घी और 4 लिए मैंने हरी इलायची। अब सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए और उसमें डाल देंगे तिल। तिल को हमें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तिल को भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी भुनकर तैयार हो जाते हैं। हमें इस तरीके से लगातार चलाते हुए तिल को भून लेना है। अब इस टाइम पे हमारे तिल भुन चुके हैं तो हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और तिल को ठंडा होने छोड़ देंगे। जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं हम बेसन को भून लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने घी डाल दिया है, लगभग 4 बड़े चम्मच। और जैसे घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें बेसन डालेंगे, जो कि लिया है मैंने 1 कप। धीमी आंच पर बेसन को ब्राउन होने और अच्छी खुशबू आने तक हमें लगातार चलाते हुए बेसन को भून लेना है। तो इस टाइम पर मुझे बेसन में घी थोड़ा कम लग रहा है तो 2 चम्मच घी मैं इसमें और डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए हमें बेसन को भून लेंगे। आप बेसन को जितना अच्छा भूनेंगे हमारी जो मिठाई है वो भी उतनी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। इस टाइम पर बेसन का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और बेसन से अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारा जो बेसन है वो भुन चुका है, अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो यहाँ मैंने देसी गुड़ लिया है जिसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। इस टाइम पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि कढ़ाई और बेसन दोनों अभी बहुत गर्म है तो गुड़ ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। और गुड़ और बेसन को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने जो तिल को भून के रखा था उसमें से 1 से 2 चम्मच निकाल के रख देंगे और बाकी तिल को पीस के इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। अभी गुड़ मेल्ट हो चुका है, अब इसमें हमने जो तिल का पाउडर तैयार किया है उसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब फ्लेवर के लिए इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप कोई भी एक ट्रे लें या फिर प्लेट लें, उसे घी या ऑयल से चिकना कर लेंगे और हमने जो मिठाई का मिक्सचर तैयार किया है उसको उसके ऊपर डाल करके स्पैचुला की सहायता से अच्छे से सेट कर देंगे। इसको मैंने सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने जो तिल रखे थे उसको डाल देंगे और तिल डालने के बाद स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ये इसमें सेट हो जाए। आप कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं या फिर इस तरीके से बोतल का ढक्कन ले लें और इस तरीके से प्रेस करते हुए मिठाई की शेप देंगे। आप इसे चाकू से भी पीसेस में काट सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मिठाई बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी मिठाई भी तैयार करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पेड़ की शेप दे रही हूँ, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो लीजिए तैयार है बहुत बहुत टेस्टी मुँह में घुल जाने वाली मकर संक्रांति स्पेशल तिल बेसन बर्फी। ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, आप इसे स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।